पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत का विनोद शर्मा पत्रकार जी के साथ में है। ये मारपीट उन्हीं जगह पे होती है जहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। एलएनडीओ की जमीन है या आपकी जमीन है? एलएनडीओ की जमीन है जी, एलएनडीओ की जमीन है। ये दिल्ली में घटना कर दी, अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना करने की कोई सोच भी नहीं सकता। बैठे हैं, कोई बात नहीं, चलिए चलिए आप यही बात कीजिए, कोई बात नहीं, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बाहर आ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए आप चलिए, आपको पूरा देखा जाएगा। गलत हो रहा होगा, अगर पत्रकार उसकी रिपोर्टिंग करेगा तो दुख तो होगा ही उन लोगों को, तो वो पत्रकार के ऊपर फिर कुछ नहीं कर सकते, तो हमला तो करेंगे। आप अभी बैठे हैं यहाँ पे, नहीं बंद आ जाइए, एक मिनट अच्छा मार दो क्या आप हमें, नहीं लाइट, हाँ 100 नंबर पे फोन करो, आप करो। अगर आप गलत काम नहीं कर रहे थे तो आपने पत्रकार के साथ मारपीट क्यों की? रिपोर्टिंग उसे करने देते। सरकारी जमीन संपत्ति को हड़पोगे, उसके ऊपर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाओगे, उसके ऊपर फिर पत्रकार के ऊपर आप हमला भी करोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। निजामुद्दीन दिल्ली में एलएनडीओ की जमीन पर बने एक मदरसे की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार को मदरसा संचालक ने न केवल बंधक बनाया बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पत्रकार के साथ घटी इस घटना के बाद न केवल पत्रकार जगत में बल्कि हिंदू संगठनों में भी बड़ा रोष है, और विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री दिव्यांश पंडित जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। दिव्यांश पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद भाई। ये जो घटना हुई है निजामुद्दीन में दिल्ली में, वो घटना तो आपने देखी होगी, सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए पत्रकार, ये जो हमारा मीडिया है, ये हमारे देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इस चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी भी सबसे बढ़ के है, क्योंकि जनता के बीच में सबसे करीब अगर कोई है तो मीडिया है, और मीडिया पे अगर इस तरीके के हमले मदरसा संचालक द्वारा किया गया है तो ये बेहद निंदनीय है। इसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकारी संपत्ति पर जिस तरीके से अवैध निर्माण करके निजामुद्दीन में मदरसा संचालक ने निर्माण किया हुआ है, उनकी कमेटी ने का जो निर्माण किया हुआ है, तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब इसमें संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीका से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं, इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति सीज होनी चाहिए, इनकी जाँच होनी चाहिए, और संबंधित धाराओं में इन पर मुकदमा पंजीकृत करके इन्हें जेल भेजना चाहिए। पत्रकार के लिए तो खबर खबर है, चाहे वह फिर मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर मदरसा हो या फिर स्कूल हो, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा व्यवहार इसलिए है क्योंकि अगर कहीं गलत हो रहा होगा, पत्रकार उसकी रिपोर्टिंग करेगा तो दुख तो होगा ही उन लोगों को, तो वो पत्रकार के ऊपर फिर कुछ नहीं कर सकते, तो हमला तो करेंगे ही। लेकिन ऐसे हमलाखोर लोगों को सबक सिखाना ये पूरे हिंदू समाज का दायित्व बनता है। केवल शासन प्रशासन के भरोसे रहने से अब कुछ नहीं होगा, अब इन सब चीज़ों के ऊपर हिंदू समाज को मुखर रूप से सामना ना पड़ेगा। वीडियो में बार बार मदरसा संचालक कह रहे हैं कि आप परमिशन दिखाइए, अब पत्रकार को रिपोर्टिंग करने के लिए क्या परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए अगर कहीं पे भी कोई घटना है और घटना कारित हो रही है, तो पत्रकार का काम है कि पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग करे। पत्रकार को रिपोर्टिंग करने के लिए हमने तो कभी नहीं सुना है तक जीवन में कि एक पत्रकार को के रिपोर्टिंग करने के लिए कभी किसी की जो है किसी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। पत्रकार तो जहां गलत देखेगा वो रिपोर्टिंग करेगा। वो अब आप गलत कर रहे हैं इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे थे तो आपने पत्रकार के साथ मारपीट क्यों की? रिपोर्टिंग उसे करने देते, उसके सवालों के जवाब देते। एक तो आप अवैध जमीन पर कब्जा करोगे, सरकारी जमीन संपत्ति को हड़पोगे, उसके ऊपर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाओगे, उसके ऊपर फिर पत्रकार के ऊपर आप हमला भी करोगे। ये भारत देश है, यहाँ भी ये चलेगा नहीं। लाइटें तोड़ दी गई, पत्रकार को लगभग 1.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा और मारपीट भी की गई। निजामुद्दीन का क्षेत्र है, अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र है, तो मुसलमानों को अवैध काम करने का प्रश्रय अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अरब देशों से
और मुस्लिम देशों से उन्हें फंडिंग होती है, क्योंकि इतनी जल्दी से इतनी बड़ी पार्टी कोई बना नहीं सकता था। उनका एक नियम बन गया है कि वो हर वो काम करेंगे जिससे भारत का विरोध होता है। सरकार का विरोध करने में वे इतने अंधे हो चुके हैं कि अब वो भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है, और भारत के अंदर बढ़ती कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा को प्रश्रय देने का काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पहले भी पार्षद ताहिर हुसैन इस चीज़ में दोषी पाए गए थे, अभी भी जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और अमानतुल्ला खान विधायक हो, वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, और जिस कारण से अरविंद केजरीवाल मजबूरीवश, राजनीतिवश, अपने लोभवश उन लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। और ये ज़्यादा दिन अब चलने वाला है नहीं, क्योंकि अब जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है इन लोगों का मनसा क्या है। ये लोग सरकार का विरोध करने में अब भारत का विरोध करने लग गए हैं, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, इन सभी सरकारों ने कुल मिलाकर मुस्लिम तुष्टिकरण की हदें पार की हैं। हर चीज़ में मुस्लिमों को संरक्षण दिया है अवैध काम करने के लिए। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, उन सभी मदरसों का सर्वे कराने के लिए आदेश दे दिए हैं, जिससे बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। और हम पत्रकार विनोद शर्मा के साथ में हैं, पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत का विनोद शर्मा पत्रकार जी के साथ में है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब की बार ये सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भाई विनोद शर्मा जी पत्रकार के साथ में हुआ है, आगे से भविष्य में किसी पत्रकार बंधु के साथ में ऐसी कोई घटना घटित ना हो, इसलिए उचित दंडात्मक कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। मदरसा संचालक कैमरे के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि ये मदरसा LNDO की ज़मीन पर बना हुआ है। इसके बाद वो पत्रकार और कैमरामैन को एक तरह से अपने जाल में फंसाकर अपने ऑफिस में ले जाते हैं, उसके बाद उनके साथ मार पिटाई होती है, कैमरा बंद किया जाता है और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जाता है। तो यानी दाल में कुछ काला है। मेरी आयु लगभग 29 वर्ष है। अपने जीवन काल में मैंने आज तक कभी भी किसी संस्कृत महाविद्यालय में या किसी मंदिर प्रांगण के अंदर किसी पत्रकार बंधु तो छोड़िए, कभी किसी व्यक्ति के साथ में आज तक मैंने मारपीट होती भी नहीं देखी। ये मारपीट उन्हीं जगह पे होती है जहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और ये लोग इतने हड़बड़ा गए हैं सरकारों की कार्रवाई से, और देखे तो सही तरीके से दिल्ली सरकार इनके ऊपर कार्रवाई कर भी नहीं रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो शायद ऐसी घटना ना होती। ये दिल्ली में घटना कर दी, अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना करने की कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो अपने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे करा रहे हैं, अभी आप इसमें देखेंगे कि केवल ये एक निजामुद्दीन का मदरसा नहीं, 99% जो मदरसे हैं वो ऐसे ही मंदिरों को तोड़कर सरकारी जमीन संपत्तियों पर कब्जा करके, और जो भी कोई ज़मीन ग्राम समाज की है उस पर कब्जा करके ये सब कुछ बनाए गए हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को कहा था कि अपने संबंधित कागज प्रस्तुत करें और मान्यता लें मदरसा चलाने के लिए, तो इन लोगों ने आगे से कोई भी कार्रवाई नहीं की। ऊपर से धर्म की आड़ लेके, इस्लाम की आड़ लेके ये लोग इस चीज़ को छुपाने का प्रयास करते हैं, जो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अवैध जितने भी निर्माण हैं, चाहे उस पर मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, सब ध्वस्त कर किए जाएंगे, सरकार का ये अभियान है। पत्रकार तो जनता के सामने सच्चाई लाने का काम करता है, जनता के लिए लड़ता है। यदि पत्रकार के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा तो किस प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित रहेगा? विपिन जी, जनता भी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी भी है, और उनका सहयोग भी, अपेक्षित सहयोग भी करेंगे। और मेरी तो जनता से यही अपील है, जो राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे नकाबपोश लोगों को उनका नकाब उतारने के लिए जो पत्रकार बंधु इस तरीके से आगे बढ़ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं मीडिया में रह के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने हिंदू समाज से मैं इस चीज़ का आग्रह भी करता हूं कि ऐसे पत्रकार बंधुओं के लिए हमको आगे बढ़ करके उनकी पैरवी भी करनी चाहिए, और उनकी सुरक्षा के लिए हम सब पूरे हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें पत्रकार की भूमिका बहुत मुख्य है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो। दंगाइयों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जब पत्रकार के साथ
किसी प्रकार का दंगा होता है, कोई दंगाई करता है, तो उन पर बुलडोजर आखिर क्यों नहीं चल पाता? बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसकी संपत्ति सीज होनी चाहिए, उस पर संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मदरसा संचालक जिस व्यक्ति ने मीडिया के बंधु के ऊपर उसे बंधक बनाया, उसके ऊपर उसका कैमरा तोड़ दिया, उसके साथ में मारपीट की, बदतमीजी की, ऐसे मदरसा संचालक को तो मृत्युदंड देने का प्रावधान बनना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं देश के अंदर, किसी भी मदरसे से कोई वैज्ञानिक नहीं निकल रहा, कोई डॉक्टर नहीं निकल रहा, कोई इंजीनियर नहीं निकल रहा, इन मदरसों की कोई आवश्यकता भारत के अंदर अब रह नहीं गई है। और अब देश खड़ा हो रहा है हिंदू समाज संगठित होकर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए, सड़कों पर भी उतर रहा है और हर जगह आप देख भी रहे होंगे। और जो भी इस तरीके का मदरसा जो अवैध निर्माण के अंतर्गत है, सरकारी भूमि के अंतर्गत है, उस पर सरकार को बिना किसी लोग लपेट के तुरंत बुलडोजर फेर देना चाहिए। ये निजामुद्दीन का आतंकवाद का अड्डा जो मदरसा है, उसमें अगर एक पत्रकार बंधु जांच करने के लिए गया, रिपोर्टिंग करने के लिए गया, तो उसके साथ में मारपीट की जाती है। ये भारत है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर रह के तुम कुछ भी करते रहोगे, कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। सरकार का अधिकार है, सरकार जब चाहेगी तुम्हारे से जांच भी करेगी, जब चाहेगी जब तुम्हारे से ब्यौरा मांगेगी, और तुम्हें देना पड़ेगा। आपने कड़ी चेतावनी तो दे दी है, यदि मदरसा संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद की आगे की किस प्रकार की रणनीति रहेगी? अगर शासन प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा, सरकारें अपने स्तर से निपटेगी तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज को आगे क्या करना है, वो अपनी रूपरेखा तैयार करके फिर आगे जो है आंदोलन का रास्ता प्रशस्त है। अगर शासन प्रशासन हमारे पत्रकार बंधुओं को, अपने हिंदू समाज को अगर संरक्षण नहीं दे पा रहा है, तो फिर हिंदू समाज को जो है अपने स्तर से लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, तो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री दिव्यांश पंडित जी को आपने सुना, जिन्होंने निजामुद्दीन दिल्ली में पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।